बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गाइस देखें हमारा दाल गोश्त तैयार हो गया, तड़का लगा दिया। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके? उम्मीद है खैरियत से होंगे आप, हम भी ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो आइए मैं आपको आज बनाना सिखाती हूँ। समीर क्या बनाने हैं? पता नहीं, शायद दाल गोश्त है ना, इसको पता ही नहीं होता, ये गेम में लगा रहता है भाई। हाँ जी, आइए मैं चने की दाल गोश्त आपको सिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। आइए मैं, ये देखें आप, ये क्या कह रहे हैं, शायद चने की दाल है गोश्त। हाँ चले जी, हमारा है ये 1.5 पाव गोश्त, हड्डी वाला पुट का, इसको हमने अच्छी से वॉश, हड्डी वाला गोश्त में नहीं खाता। और मुझे साफ वाला गोश्त, 1 पाव चने की दाल है, अभी हम इसको वॉश करनी है। इसको भी हमने आपको दिखाने के लिए रखी हुई है ऐसी। 1 बड़ा दरमियाना टमाटर लाल रंग का, और ये है हमारे स्पाइसिस, 1 टीस्पून लहसुन अदरक जाएगा इसमें, 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, साबुत गरम मसाला लौंग, और ये काली मिर्च, साबुत इलायची, और ये स्टिक ड्रिम वो स्टिक, और ये 1/2 टीस्पून हल्दी, थोड़ी ज़्यादा जाएगी, और इसमें नहीं वो उसमें नहीं जाएगी, क्या कहते हैं उसको, कुटी मिर्ची नहीं जाएंगी इसमें, और नमक जाएगा। ये मैं दिखाती हूँ आपको। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम अपने, देखिए हमने चूल्हा ऑन करा है आपके सामने, इसमें थोड़ा पानी है, इसमें ड्राई हो जाएगा ओवन में, फिर हम ऑयल डाल के प्याज डालेंगे, और फिर उसके बाद डालेंगे गोश्त, लहसुन अदरक हल्दी नमक, गोश्त को भून के फिर ये हमारे दाल और सारे स्पाइसेस ऐड होंगे। उसका भगोने में थोड़ा पानी ड्राई होता है, फिर मैं तेल डालती हूँ वरना छिटाएंगी। ये छोटी सी प्याज ली है हमने, मीडियम की, थोड़ा सा उल जाएगा क्योंकि बघार में भी अच्छा खासा उल जाता है हमारा, जब दाल तैयार हो जाती है चने की दाल गोश्त तो उसमें भी बघार में जाता है प्याज ज़ीरा और ऊपर से पिसा हुआ गरम मसाला, बड़ी अच्छी खुशबू आती है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा तेल जाएगा, इसमें हम ज़ीरा नहीं डालेंगे अभी, ज़ीरा जाएगा हमारा तड़के के टाइम पे, ठीक है, जब दाल में तड़का लगता है जब हम डालते हैं ज़ीरा और ऊपर से पिसा हुआ गरम मसाला, पुदीना और हरी मिर्च, दाल गोश्त में ये जाता है, पुदीना जाता है, हरा धनिया नहीं जाता। तो गाइस कैसे हैं आप, क्या हाल है आपके? अगर नए हैं तो हमारी वीडियो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि रोज़ाना तकरीबन आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये हल्की से गोल्डन हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे गोश्त, हम पीने लगे हैं पानी। दाल को मैंने भिगो दिया है, जब तक हम गोश्त को भूनेंगे जब तक दाल हमारी भीग जाएगी, 10-5 मिनट। चले इसमें जाएगा गोश्त, हाफ चम्मच नमक, और ये हमारे लहसुन अदरक हल्दी गरम मसाला, पिसी हुई मिर्चें बाद में जाएंगी, ठीक है, थोड़ा सा पानी, ये दाल, ये देखें
ये अच्छी तरीके से धो के हमने पानी फेंक देना है हमको, ऐसे ऐसे करके दाल डाल लेंगे ऐसे। हम भूनेंगे थोड़ा सा, इसमें जाएंगे पीसी हुई मिर्च, सेवर खोलो अंदर का, इसमें जाएगा 2 गिलास पानी, फिर हम इसको मजीद आधे घंटे के लिए पकने छोड़ देंगे। 1 and 2 इसी पानी में दाल गोश्त गल जाएगा, हम आपको घोटते हुए दिखाएंगे कि कैसे दाल गोश्त मैश होता है। मिलते हैं आपसे आधे घंटे बाद, ठीक है, जब तक के लिए बाय। तो देखिए गाइस, हमारा आधा घंटा हो चुका है, हमारे 2 गिलास पानी में ही हमारी दाल माशाल्लाह ऐसे बन गई, इसे हलीम दाल और गोश्त दोनों गल गए, बहुत अच्छी तरह गल गए माशाल्लाह से। ये मैं आपको घोट के दिखाती हूँ, ऐसे ऐसे घोटे, इसमें मैंने पुदीना डाल दिया। अब इसमें जाएंगे हरी मिर्चें, और जब दाल पकना शुरू हो जाएगी इसके बाद हम तड़का मारेंगे इसमें, फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे हमारी ये दाल गोश्त ऐसे बनता है। ये बिल्कुल भी चलेंगी दाल नज़र नहीं आती कि दाल कौन सी है, बिल्कुल अच्छी तरीके से घुट जाती है, हलीम की तरह हो जाती है बिल्कुल। ये हमारे बच्चे तंदूर की रोटी से खाते हैं, सुबह नाश्ते में पराठे से खाते हैं, बहुत मज़े की लगती है। टमाटर वगैरह सब घुट गए, नज़र नहीं आ रहा है। जब इसको घोट लेंगे इसके बाद हम डालेंगे 2 गिलास पानी, फिर इसको मज़ीद थोड़ी देर पकने छोड़ देंगे, फिर इसमें मारेंगे तड़का, तो फिर हमारी दाल गोश्त तैयार हो जाएगा। ये इसमें अब 1 गिलास साइडों का साफ़ कर लें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता साइटों का गंदा हो रहा है। जरा सी भी दाल नजर नहीं आ रही, चूहिया ही खा लेंगी। ये देखो ये 2 गिलास, अब इसको 15 मिनट हम पकाएंगे, उसके बाद हम तड़का मारेंगे, इसमें हरी मिर्च डालेंगे, ऊपर से गरम मसाला। ये देखिए ये रवास ज़बरदस्त, मैं खाती हूँ रवास, पापा भी खाते हैं। मिलते हैं आपसे 15 मिनट बाद, जब तड़का मारेंगे फिर आपको दिखाएंगे मारते हुए तड़का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, देखें हमारा दाल गोश्त तैयार हो गया, तड़का लगा दिया, और ये ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है आपको, ये है पिसा हुआ गरम मसाला, मज़ेदार। और ये हड्डी वाला गोश्त ऊपर मम्मा ही खाती है, मैं नहीं खाता। इसमें बोटी जो लगी वो कौन खाएगा? अपने घर के दोगे तो खाऊंगा। नवाब भाई, कैसे लगी आपको आज की हमारी वीडियो? पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जाएं, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। प्याज डाली है, साबुत मिर्ची डाली है, जीरा।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गोश्त गल गया, अल्लाह हाफिज़।